देखो सीधी सी बात है, वन पीस का लाइव एक्शन इतना बुरा नहीं है, डेफिनेटली बुरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं वन पीस देख रहा हूँ और मैं उस पार्ट से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ जो कि लाइव एक्शन ने कवर किया। तो जब मैं वन पीस का लाइव एक्शन देख रहा था ना, मेरे माइंड में एक एनिमे से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन थी और मैं ये एक्सपेक्ट करके बैठा था कि अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी ना वो भी काफ़ी कम थी। बट सरप्राइजिंगली इट वॉज गुड, इट वॉज वेरी गुड। हालांकि कई पॉइंट्स पे तुम लोग जो है ना एनिमे को ऊपर ही रखोगे, हमेशा हर कोई एनिमे फैन है जिसने अगर लाइव एक्शन के बाद भी एनिमे देखा तो भी एनिमे को ऊपर रखेगा, क्योंकि लाइव एक्शन में हर एक चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। पर नेटफ्लिक्स ने जो ये लाइव एक्शन बनाया है ना, वो लिटरली बाकी सभी लाइव एक्शन से काफ़ी बढ़िया, काफ़ी गुड क्वालिटी और काफ़ी, मतलब वो एटलीस्ट दे ट्राई टू टच द एक्सपेक्टेशंस। देखो एक किसी भी लाइव एक्शन का ना एक मेन कॉमन गोल होता है कि वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस को हिट करे, उन्हें वही सेम एक्सपीरियंस एक अलग तरीके से दे, और वन पीस का लाइव एक्शन वो करने में पूरी तरीके से नहीं बट थोड़ी तरीके से कामयाब होता है। हालांकि उसका सिर्फ फर्स्ट सीजन, और मैं ये कहता हूँ कि वन पीस शुरू में जो है ना वो काफ़ी बढ़िया नहीं है, इट्स वेरी एवरेज शुरू में, इट्स वेरी एवरेज, ठीक है, लेकिन आगे जाके जो है वो अपने पीक पॉइंट को पकड़ता है और फिर हम सब जानते हैं कि वन पीस आखिर क्या चीज़ है, ठीक है। तो वन पीस एनिमे का जो उन्होंने लाइव एक्शन अडेप्टेशन बनाया ना, उसके लिए उन्होंने जो सही काम किया वो है कास्टिंग, उसके बाद जो उन्होंने पैसे लगाए, मतलब लिटरली एक एपिसोड पे 18-18 मिलियन उड़ाए तभी तुम्हें इतना बढ़िया, मतलब वो लिटरली इट्स नॉट लाइक एनिमे बट इट्स डिफरेंट विथ सेम यू नो सेम फीलिंग। तो वही है भाई कि सेम फीलिंग देने की जो उनका गोल था ना, वो एक गोल तो उन्होंने अचीव कर लिया। बाकी अगर आप लोगों ने वन पीस का लाइव एक्शन देखा है नहीं, कमेंट करके तो मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।